नेपाल में आज एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान क्रैश हो गया। इस विमान में 19 लोग सवार थे, जिनमें से 18 की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, जोरदार धमाके ने दहला दिया। खौफनाक तस्वीरें नेपाल से आई हैं। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक निजी विमान उड़ान भरने को तैयार था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसके बाद तो ये भयानक हादसा सामने आया। उड़ान भरते ही प्लेन में अचानक चिंगारी उठी और उसके बाद तो भयंकर धमाका हो गया। पल भर में ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो चुका था। प्लेन में 19 लोग सवार थे। कई लोगों की चीखें तो हादसे में ही दब गईं। सोरिया एयरलाइंस का यह विमान था जो एयरपोर्ट से पोखरा जा रहा था, लेकिन प्लेन में सवार यात्रियों को कहां पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई, वो धमाके के बाद जमीन पर आ गिरा। प्लेन के कई हिस्से दूर तक जा गिरे। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर आए दूसरे यात्रियों की तो सांसें ही थम गई। हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार दिखने लगा, जो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद विमान में लगी आग को बुझा दिया गया। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है। विमान मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि विमान के उड़ान भरते ही उसमें आग लग गई और लपटों से घिरा विमान रनवे पर ही क्रैश हो गया। हादसे में कई लोग दम तोड़ चुके थे। विमान के पायलट को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक विमान बॉम्बर्डियर CRJ-200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। चश्मदीदों के मुताबिक विमान ने रनवे से टेक ऑफ किया था। और रनवे पर ही क्रैश हो गया। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली भी घटना स्थल पर पहुंचे। नेपाल में विमान हादसे का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। पिछले साल जनवरी में नेपाल में बड़ा प्लेन हादसा हुआ था, इसमें 72 लोगों की जान चली गई थी। येती एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया था, जिसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। मई 2022 में नेपाल में एक और विमान हादसे में 22 लोग मारे गए थे। ये प्लेन पोखरा से जोसमोस जा रहा था। अचानक प्लेन में धमाका हुआ और वो हादसे का शिकार हो गया। साल 2018 में भी नेपाल में विमान हादसा सामने आया था। मार्च में हुए इस हादसे में 51 लोग मारे गए थे। विमान बांग्लादेश से नेपाल आ रहा था और त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। काठमांडू में हुए हादसे के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां घटना की असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।